सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। और MMRDA में हम लोग सेफ्टी और स्पीड का भी हम लोग ये एम्फसिस हम लोग बहुत देते हैं, महत्व उसको देते हैं। उसके हिसाब से जो अभी इंट्रैक्शन हो रहा है नेशनल लेवल का और जो एग्जीबिशन इधर चल रहा है, इसका बहुत इससे नए नए आइडियाज़ आ जाएंगे और नया नया प्रोजेक्ट्स, स्पेशली आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स का भी डिस्कशन होगा। लाइक ट्रांसफार्मर लिंक को मैंने बताया, और इसी हाल के बगल में अपना मेट्रो प्रोजेक्ट MMRDA का चल रहा है, जिससे हम लोग ये हाल को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। सो इसके वजह से मुझे दो चीज़ें लगता है कि जो शहर को फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को, नंबर एक दूसरे से नया नया टेक्नोलॉजी को सीखने का एक मौका मिलता है सबको, और दूसरा इसको एप्लीकेशंस मुंबई शहरवासियों को और महाराष्ट्र के वासियों को सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, और इसका एप्लीकेशंस और इसका फ़ायदा सब लोग उठाए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। One of the best exhibition I have seen in my life. It is helpful for not only the Mumbaikars, but it is helpful for the whole of the countries. We have seen the new technologies, new concrete methods, and which will really helpful in the development of the country. इससे कितना फायदा होगा इंडिया को? जितने भी नए technologies हैं, इनके वजह से जो कंस्ट्रक्शन टाइम है, वी कैन रिड्यूस द कंस्ट्रक्शन टाइम। कंस्ट्रक्शन टाइम अगर रिड्यूस होता है तो उसका इकोनॉमी बहुत फर्क पड़ता है। सो इट इज़ रियली प्रॉफिटेबल फॉर एवरीबडी। दीज आर द ऑल न्यू एंड एडवांस टेक्निक्स एंड एवरीवन मस्ट विजिट दिस वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट। द ऑर्गेनाइजिंग टीम हु हैज अरेंज दिस वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट एंड वी आर सीइंग नंबर ऑफ स्टॉल्स विच आर रिलेटेड टू कॉन्क्रीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस आर ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विच आर डिस्प्लेड विथ ऑल द लेटेस्ट मटेरियल एज अ पार्ट ऑफ ब्रियन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वी कैन यूज दिस मटेरियल एंड दिस टेक्नोलॉजी इन आवर प्रोजेक्ट्स टू हैव द सस्टेनेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग। एज वी ऑल नो दैट ब्रियन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वी आर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर्स फॉर 100 years। सो फॉर दिस 100 years we can certainly use these technologies and this material and we will definitely take away many things from this concrete show. Thank you. Of concrete exhibition ye mere khayal se under this brand in India for the first time ho raha hai, और आफ्टर कोविड ये इतना बड़ा फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट वालों ने। आई कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड द कॉन्टेंट ऑफ दिस फंक्शन इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज वी हैव गॉट मैन्युफैक्चरर्स, वी हैव गॉट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, वी हैव गॉट मटेरियल पीपल। लाइक आई विजिटेड वन स्टॉल एट एप्पल केमी, दे आर डूइंग वंडरफुल प्रोडक्ट्स हियर। सो एंड सो ऑल्सो द सेमिनार एंड द कंटेंट्स, यहाँ पर जो सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हुए डेलीबरेशंस हैं, दे आर रियली गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हैविंग सच अ वाइड स्प्रेड अवेलेबल फॉर द टेक्नोक्रैट्स, बिकॉज आई एम पास्ट प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूट, एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू हैव सच अ बिग प्लेटफॉर्म मेड अवेलेबल इज़ अ गुड थिंग एंड दिस विल हेल्प अ लॉट फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। Yeah, it's a very nice thing you asked me. See, what's new? Because see, every time you need new and you need something which will solve your challenges. Today, the biggest challenge is to do complicated construction works like metro, underground ho raha hai Mumbai mein, logon ko pata hi nahi, but there are so much of a length of metro tunnel is done. So also now from Bandra, see this is Bandra to Warsaw, sea link is coming, another sea link is coming. So can you look at the place? Yeah, so all these new constructions which are going on will need new technologies. See, when you think something different, a new phenomena comes into existence, a new project comes up. But for giving a new dimension to this project, you need new type of technology, new type of material and new type of manpower. And this is happening today in India.
We have wonderful technologies from all over the world. We have wonderful materials, sustainable and durable materials. And not only that, we have got skilled manpower and the young manpower. And this is something new which is happening today in India, and it will give huge boost to the infrastructure and construction industry as a whole. Thank you. जो है ये हमारी 8th एडिशन में हम लोग कर रहे हैं. ये शो अभी 3 साल के बाद हो रहा है, बिकॉज 19 में हमने किया था, 2019 में. और ये वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट शो है. ये यूएस का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंक्रीट शो है जो लास वेगास में होता है. वो हम यहाँ पे लाए हुए हैं और 150 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं. अलग अलग 7 से 8 देशों से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं. और सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंक्रीट से रिलेटेड जो सारी टेक्नोलॉजीज़ है, प्रोडक्ट्स है, इनोवेशन है, सारे यहाँ पे डिस्प्ले में है. ये 3 दिन का एग्जिबिशन हो रहा है और यहाँ पे एग्जीबिशन में हम लोग 7 से 8 हज़ार ट्रेड विजिटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जो इंजीनियर्स होंगे, जो आर्किटेक्ट्स होंगे, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डेवलपर्स होंगे, वो सारे ये शो में आने वाले हैं. बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सेशंस रखे हुए हैं, टेक्निकल सेमिनार्स रखे हुए हैं. वी हैव अ इनोवेशन जोन, वी हैव अ स्टार्टअप पवेलियन. सो बहुत कुछ हो रहा है ये शो फ्लोर पर. जो तीन दिन में यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए है. सो प्लीज़ जो भी है ये शो में आके देखिए. सारे नए इनोवेशन आपको देखने मिलेंगे. और 3 दिन चल रहा है ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में, मुंबई में. जो नई मशीनरीज है उससे इंडिया को कितना फायदा होगा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में? डेफिनेटली होगा, बिकॉज आज कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, वो पेस बढ़ने के लिए जो नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो प्रोडक्ट्स का जो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज आई हुई है, सो वो सारी टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे देखने मिल रही है. प्लस अभी ये सेक्टर जो है वो एक तरह से कार्बन एमिटिंग सेक्टर कहा जाता है. 6 से 8% जो कार्बन एमिशन हो रहा है वर्ल्ड में, वो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है. सो ये अभी ये सेक्टर उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है डीकार्बनाइजेशन के बारे में. जहाँ पे भी ग्रीन कॉन्क्रीट करके नया प्रोडक्ट उभर के आया हुआ है. वैसे अलग अलग जो टेक्निक्स यूज़ करें, जैसे कार्बन डीकार्बनाइजेशन हो जाए, जिससे पोल्यूशन कम हो जाए, वो सारी यहाँ पे टेक्निक्स आपको देखनी मिलेंगी. सो ये एक डिफरेंट लेवल का टेक्नोलॉजिकल शो है. About eight countries. So we have Germany, we have France, we have Italy, we have Japan, we have US. So similarly eight countries are here. बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे. ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे बन के आई हुई है, वो यहाँ पे आज डिस्प्ले पे आ रही है. और टेक्नोलॉजी आपको, टेक्नोलॉजी से क्या होगा, आपके पहले स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो इसको 5 साल लग रहे हैं, वो शायद 3 साल में कम्प्लीट हो जाए. उसका कॉस्ट कम हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए. सो मैन पावर जो लगता है वो कम हो जाए, बिकॉज ऑटोमेशन आ जाएगा. सो उस हिसाब से व्हाट विल सी, जो प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो रहे हैं इंडिया में, वो एट अ लेसर कॉस्ट एंड मच मोर क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे आगे जाके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. और गवर्नमेंट का जो विजन है, जो $5 trillion इकोनॉमी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट नियरली $1.4 trillion. सो नियरली 1/3 ऑफ दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ये टेक्नोलॉजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये शो इसीलिए हम लोग लेके आए, जैसे नई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले पे हो, जो इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाए. जो नई टेक्नोलॉजीज हमारे इवेंट पे आती हैं, वो इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो जाती है. और हम लोग ऐसे, हमारे जो इंडिया का इंटेलेक्चुअल स्किल्स, सबको मालूम है कि इंजीनियरिंग स्किल्स कितनी एडवांस हैं. सो हम लोग उसको बेहतर बना सकते हैं. और सबसे बड़ी बात, उसको अपने देश के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं. और कोई भी एग्जीबिशन करते हैं तो आप उसके अंदर देखिए कि जो स्टेक होल्डर्स आते हैं अलग अलग कंट्री से, या अलग अलग जियोग्राफीज ऑफ विद इन इंडिया जो स्टेक होल्डर्स आते हैं, सो सब अपना एक नया एलिमेंट, एक नई सोच, एक नया प्रोडक्ट, नई एप्लीकेशन लेके आते हैं और उसको शोकेस करते हैं. और बेसिकली सबके लिए एक लर्निंग होता है. तो आपको एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस उस तरह से रखना होता है कि देर इज़ सम मीट फॉर एवरीवन, देर इज़ सम टेक अवे फॉर एवरीवन. और यही हमारा यही हमारी सोच रही है. यही हमारा ये जो 8वां कंक्रीट का शो आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट के नाम से, और यही ये चीज़ शो कर रहा है. और चूंकि अभी 2-3 साल के बाद हो रहा है फिजिकल इवेंट, लास्ट हमारा 2019 में हुआ था, 2021 सबको मालूम है कि कोविड के कारण कुछ नहीं हो पाया. सो लेकिन अगले साल जब आप 23 में देखेंगे, हमने डेट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी हैं. तो दिस शोज़ आर कमिटमेंट टू द सेक्टर एंड आप लोगों की, सबकी इंडस्ट्री की सपोर्ट के साथ
मैं एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ आपको कि अगला इवेंट जो रहेगा वो कहीं इससे ज़्यादा बड़ा, कहीं इससे ज़्यादा रिच रहेगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि बहुत टारगेट है हमारा कि नई कंट्रीज़ को हम लोग एक कंट्री पेविलियंस के रूप में लेके आए। आज जो हमारी कंपनी यहाँ पे आई है, चाहे वो जर्मनी से हैं, जापान से हैं, वो इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर कंट्री पेविलियंस बने तो उन कंट्री पेविलियंस के अंदर फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज़ आएंगी हर पेविलियन के अंदर, चाहे वो कैनेडा है, जर्मनी है, जापान है, क्योंकि जिनका फोकस है इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर। और जब ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज़ आएंगी तो नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, क्योंकि अगर आप यूरोप को ध्यान से एग्जांपल देखें, यूरोप के पास टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है लेकिन उनके पास मार्केट नहीं है। स्मॉल कंट्रीज़ बिग टेक्नोलॉजीज़, सो दे नीड अ बिग मार्केट, और मेरे ख्याल से आज की तारीख में इंडिया से बेहतर बड़ी मार्केट कोई उनको मिल नहीं सकती। सो हमारे लिए एक बहुत अच्छा, हम लोग एक बहुत अच्छे स्टेज पे हैं कि अगर हमने अब अपनी पॉलिसीज़ और अपने जो हमारे रेगुलेटरी मेजर्स हैं अगर उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया, सो आई थिंक भारत किसी से पीछे नहीं है। थैंक यू वेरी मच।